जहां पर माधव अपने सहकर्मियों के साथ बात करता है, विद्या चाय लाती है, इंस्पेक्टर मजाक करता है, चाय गिरने से विद्या का हाथ जल जाता है। माधव उसकी परवाह करता है और वह कहता है कि आपको किसी और के हाथ से चाय भेजनी चाहिए थी। इंस्पेक्टर कहता है कि वह आपको बहुत प्यार करता है, उसे खतरनाक और मिशन में जाने के लिए रोकते और हमेशा मतलब जान जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं है। अधिकारी विद्या से उसे समझाने और जाने के लिए कहता है। माधव कहता है कि समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। विद्या कहती है कि नहीं, मेरे बारे में सोचो मत जाओ। वह कहता है कि मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और तुम इससे मतलब रेखा और भी प्यार नहीं कर सकती। और वह कहती है कि आप अभीरा के कहने से वापस आएंगे। और वह कहता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। तुमने क्या किया है मासा? मैंने मतलब आपका वहाँ पर अपमान किया है और अरमान ने उसके लिए बात की है और तुम मासा से डर गई। अभीरा का कोई केस नहीं मिलता है और वह केस पाने के लिए प्रार्थना करती है। एक आदमी आता है और कहता है कि मेरी पत्नी की साइकिल चोरी हो गई है, मेरे पड़ोसी ने उसे चुरा लिया है, क्या आप मेरा केस लड़ेंगी? और वह उसे धन्यवाद देती है और बहुत खुश हो जाती है। वह कहती है कि मैं आपका केस लड़ूंगी और जीतूंगी। वह उसे केस के बारे में कहने के लिए मतलब कहता है और वहाँ पर अरमान उसकी तस्वीर लेता है। वह उस आदमी को याद करता है और जो उसके पास आया था और मदद मांग रहा था और वह उसे अभीरा के पास भेजता है। वह कहता है कि आपका केस जीतेगी और आपके लिए एक नया साइकिल लाएगी, नहीं तो मैं उसके पास आऊँ वहाँ पर आऊँ और वहाँ पर मैं उस आपका केस मुफ्त में लड़ूँगा।